हैं कैसे है आप लोग, होप आप लोग ठीक हो गया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे, और अगर आप पहले से मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। हम लोगों का शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी हो चुका है कि हम अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पाते, बहुत ज्यादा हैक्टिक शेड्यूल रहता है और हर कोई कुछ ना कुछ करता रहता है, चाहे सोशल मीडिया पे बिजी है तो कोई जॉब में बिजी। ऐसा पैंडेमिक का टाइम आ गया है कि हर किसी के दिमाग में एक ऐसी चीज चलती है, कहीं कोई बीमार पड़ता है तो एक डर रहता है सबका, कोरोना का डर हो गया है, कोविड का डर हो गया है, और हर जगह पे यही है, हर कोई टेंशन में है, कोई भी रिलैक्स माइंड से कोई काम नहीं कर पाता। तो आज की वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज के टाइम में हम लोग अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पाते, और ऐसा टाइम चल रहा है कि चारों तरफ डिप्रेशन का माहौल रहता है क्योंकि हर किसी को डर रहता है कोरोना का, कभी कोविड का, थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए सबको डर लगता है कहीं कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं आ गया, हर किसी के अंदर एक डर बैठ चुका है। ऐसा ही 2020 से ऐसा ही माहौल चल रहा है कि आप यहाँ मत जाओ, कोरोना है, आप किसी को टच मत करो, दूर रहो, ठीक है, लेकिन एक ऐसे माहौल में हर किसी का माइंड ऐसा हो चुका है कि डर बैठ गया है, डिप्रेशन के केस भी इस वजह से ज्यादा आ रहे हैं। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अलग है बिकॉज इसमें हम बात करने वाले हैं सेल्फ केयर की। ऐसे बिजी शेड्यूल में हम लोगों के पास अपने लिए ही टाइम नहीं है, हम लोग अपने आप को ही टाइम नहीं देते, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया है कि सेल्फ केयर सब भूल चुके हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उन्हें अपने लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई ब्रेकफास्ट को यहाँ पे स्किप कर रहा है, कोई लंच को स्किप कर रहा है, कोई डिनर नहीं कर रहा है, तो कोई ऐसा होता है कि शायद वो कुछ पूरे पूरे दिन कुछ बिना खाए रहते हैं और फिर अगर कुछ खाते हैं तो अनहेल्दी खा लेते हैं। अपने आप को टाइम देना सब लोग ऐसे भूल ही गए हैं, जब से ये पैंडेमिक का सीन आया है तो सब कुछ चेंज हो गया है, हम सोशल लाइफ से अलग हो चुके हैं। हम लोग जो है अब अपने जैसे देखा जाए तो पहले स्कूल चले जाते थे, कॉलेज चले जाते थे, गेट टुगेदर रहते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गई है पैंडेमिक की वजह से। तो उसी के टॉपिक पे हम बात करने वाले, तो वीडियो को पूरा देखे, वीडियो को लाइक करे, वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करे जिसका आपको लगता हो क्योंकि वो एक डिप्रेशन में जा रहा है या वो बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो गए, तो आप अपने लव वंस के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मील की, बिकॉज खाना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और हर कोई मेहनत कर रहा है, कमा रहा है तो खाने के लिए ही, तो अगर हम अपना खाना ही प्रॉपर तरीके से नहीं रखेंगे तो हमारे कमाने या किसी काम को करने का कोई फायदा नहीं, और अगर हमारी बॉडी अच्छी नहीं है तो हमारा माइंड भी अच्छा नहीं रहेगा और हम पूरे दिन एनर्जेटिक भी नहीं रहेंगे और अपने आप को हम अच्छे से नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए हमें कम से कम हमारे दिन के तीनों मील को लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, हमें इन तीनों को ही स्किप नहीं करना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे तीनों मील काफी हेल्दी और काफी अच्छी होनी चाहिए प्रॉपर डाइट के साथ, और बिल्कुल प्रॉपर टाइम निकाल के हमें अपने खाने को पूरे तरीके से अच्छे से खाना चाहिए। हमें जल्दी 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 नहीं खाना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि हम खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या प्रॉपर टाइम, अपना खाने के टाइम को बिल्कुल रिलैक्स होके देना चाहिए, अपना खाना पीना सब कुछ खाओ, खुश रहो, खाने से ही जिंदगी है, अच्छी अच्छी चीजें। तो आपको याद रखना है आपका फर्स्ट को अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो है वो टाइम। लेकिन अगर हम बात करें आजकल जब से ये लॉकडाउन का सीन हो गया है तो सोशल मीडिया पे हम कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। अगर हम देखा जाए तो अपना 24 आवर्स जो है वो सोशल मीडिया को ही देते हैं, हम हमेशा जब देखो फोन में ही लगे रहते हैं, इतनी ज्यादा यूज हो चुके हैं, खाना खा रहे हैं तो हम फोन में लगे हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम फोन पे। नो डाउट कि सोशल मीडिया काफी अच्छा प्लेटफॉर्म हो चुका है, वो काफी चीजों में हमें हेल्प करता है, इवन फोन भी हमारा काफी ज्यादा हमें हेल्प करने लगे है कि हमें कोई भी काम करना है तो हम इजिली सोशल मीडिया का हेल्प लेते हैं। बट हमें कम से कम एक हफ्ते में एक बार सोशल मीडिया से अपने आप को डिटॉक्स करना चाहिए, 24 आवर्स के लिए हमें सोशल मीडिया से डिटॉक्स करना चाहिए, वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए, हर चीज के लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए आप एक चीज का अपने आप से प्रॉमिस करें कि हम एक दिन पूरा 24 घंटे केवल अपनी फैमिली को या अपने फ्रेंड को देंगे, हम सोशल मीडिया से अपने आप को डिटॉक्स करेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमें एक ऐसी स्पॉट जो अपने घर में ही ढूंढ लेना चाहिए, या अगर आप बाहर की बात करें कहीं भी एक ऐसे प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आप बहुत ही शांति से मेडिटेट कर पाए, क्योंकि मेडिटेशन हमारे माइंड के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मेडिटेशन हमारे माइंड को रिलैक्स रखता है, हमें बॉडी के साथ साथ हमें माइंड को रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एंगर इशू हो गया या हमारे हेल्थ इशू की बात करें तो मेडिटेशन हमें हर चीज में हेल्प करता है, और मेडिटेशन से ही हम काफी चीजों से, अगर देखा जाए हम साइकोलॉजिकल अगर बीमार होते हैं तो हमें पूरी बॉडी हमें बीमारी लगती है, इसीलिए मेडिटेट करने से हमारी बॉडी और हमारा माइंड, हमारी सोल बहुत रिलैक्स रहती है, तो मेडिटेशन भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें दिन में कम से कम दो
मिनट का टाइम निकाल के अपने आप को मेडिटेट जरूर करना। एरोमेटिक कैंडल हमारे मूड को बूस्ट करने में हेल्प करती है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप परेशान हैं, अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे या कोई ऐसी टेंशन है कि किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, तो सबसे ज्यादा अगर हमें हेल्प करता है तो एक गुड म्यूजिक, आप अच्छे म्यूजिक को सुने। ऐसा नहीं है कि रोंदू म्यूजिक ही सुने, अच्छा म्यूजिक सुने, जो भी आपके फेवरेट म्यूजिक है आप उसको सुने, अच्छे अच्छे गाने सुने। आपका मूड बहुत ज्यादा बूस्ट होगा, आपको अच्छा लगेगा, रिलैक्स लगेगा। और सेल्फ टाइम बहुत जरूरी होता है, तो कम से कम आप जब भी अकेले रहे तो किसी अलग चीज को सोचने से बेटर है अच्छे अच्छे म्यूजिक सुन के अपने आप को खुश, इंटरनली हैप्पी रहते हैं, आपके स्किन पे वो दिखता है, वो आपको नेचुरल ग्लो। पेंडेमिक का टाइम जब से आया है फैमिली से अपने फ्रेंड से काफी दूर हो गए हैं, उनको टाइम नहीं दे पाते। बट अगर अब जैसे इस टाइम पे हमें फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना चाहिए, हमें चिल करना चाहिए, हमें घूमना फिरना चाहिए, बिकॉज लाइफ बहुत छोटी सी है, उसको जितना आप इंजॉय कर पाए उतना अच्छा है। और टेंशन तो हर जगह है, टेंशन हर, अगर आप देखा जाए तो बाहर ऑफिस जाने में भी टेंशन है, अगर आप क्योंकि कहीं बाहर निकल रहे हो तो भी आपके लाइफ में टेंशन है। ऐसी चीजें आ चुकी है देश दुनिया चारों तरफ हमारे कि जिसको हम समझ नहीं पा रहे कि कैसे उसको हैंडल करें। इस वजह से हमारा जो माइंड है ना वो एक जगह पे स्टेबल नहीं। हमें सेल्फ केयर में हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे मुझे ना हमेशा कुछ नया ट्राई करना पसंद है। मैंने जैसे यूट्यूब स्टार्ट किया, मैं अगर देखा जाए मैं अपने स्टडीज में भी कुछ ना कुछ न्यू करती रहती, अपनी एक नई हॉबी जरूर लेके आती हूँ। जैसे मुझे जिम करने का बहुत शौक है, एक्सरसाइज में बहुत करती हूँ, मैं इंटेंस वर्कआउट्स करती हूँ, मुझे वेट लिफ्टिंग पसंद है। मैं अब कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ, और इससे क्या होता है कि हमें ना पता चलता है कि हमारी कोई एक लिमिटेशन नहीं है, हम अपने आप को जितना पुश करते हैं हम उतना आगे जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, हम बहुत ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और एक ना एक दिन हम बहुत आगे पहुंच भी जाएंगे। कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि कभी भी लो फील, अगर आप ये जो होता है ना सारा माइंड गेम होता है, आप जो अपने माइंड में सोचते हैं वही आप जो है रिएक्ट करते हो, वही हमारा रिफ्लेक्ट होता है। तो हमेशा माइंड में एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अगर हम बात करते हैं जैसे एक्सरसाइज की, पैंडेमिक का टाइम जैसे ही स्टार्ट हुआ था तो हमें कहा गया अच्छा खाओ और एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को टाइम दो। बिकॉज उस टाइम पे एक ऐसा माहौल आ गया था, पैसे दुनियादारी कोई भी काम नहीं आता, यही था कि आपको अपने आप को खुद हेल्दी रखना है, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाया। क्योंकि उसमें ऐसी बीमारी अगर आ गई थी जिसमें हम टच नहीं कर सकते, जो हमारे लव वन है हम उनकी केयर नहीं कर सकते, उनकी बीमारी में ऐसी बीमारी आ गई थी, उसमें पता चला था कि हमें अपना ख्याल खुद रखना होगा। इसी तरीके से हमें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, तो हमें एक्सरसाइज डाइट ये फॉलो करनी चाहिए। दिन में नहीं ज्यादा 15 से 20 मिनट का टाइम खुद को देना चाहिए। नहीं पतले होने के लिए नहीं बात हो रही है, मोटे होने की बात नहीं हो रही है, बट एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है, आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहता है, आपकी बॉडी जो है वो मतलब कहते हैं लेजी नहीं होती है, हमेशा आप हमेशा अच्छे रहोगे, हमेशा एक्टिव रहोगे, आप किसी भी काम को करने के लिए रेडी रहोगे। तो इसीलिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अपने आप को खुश रखने के लिए छोटा छोटा सा पैम्पर का जैसे सेशन है वो भी बुक करना चाहिए। जैसे अगर आप स्पा सेशन बुक कर लो, आप जरूरी नहीं है कि आप दिन के अपने 4-5 घंटे निकाल के ही आप अपने आप को पैम्पर करो, ऐसा जरूरी नहीं। आप अपने आधे घंटे 1 घंटे का टाइम अपने लिए जरूर निकालें, अपने आप को 1 महीने में पैम्पर जरूर करें कि आप अपने आप को, आप अपनी केयर खुद करें, अपने आप को पैम्पर रखें, अपने स्किन का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और अपने माइंड का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। लाइफ में कुछ भी नहीं रखा, खुशियां बांटे, हंसते रहे, खेलते रहे। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को आप अपने लव वन के साथ जरूर शेयर करते। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज TNM Vlogs। बाय बाय।